गाइज आज हम आपको खिलाने वाले हैं लखनऊ में कुछ एक ऐसी खास चीज जिसको खाने के बाद आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। मतलब आलू खिलाने वाले हैं आपको हम। नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा है आलू कैसे कोई खा सकता है। तो उबले हुए आलू नहीं, ये भुने हुए आलू। ये देखिए इस तरीके से आलू में पहले इसको भूनते हैं भैया और उसके बाद बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं इसे भैया। भाई हम टेस्ट करने जा रहे हैं भैया के ये गर्मा गर्म आँच में भुने हुए आलू, सोंधी सोंधी वाली आलू, जो कि बचपन में तो सबने ही टेस्ट करा होगा, लेकिन वो चीज अब कहाँ मिलती है जल्दी। और ये खास चीज अगर मिल जाए तो उसे आप जरूर से टेस्ट करें। लखनऊ में आपने कहाँ पे टेस्ट करा है ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम टेस्ट कर रहे हैं और बताते हैं आपको किस तरीके का स्वाद होता है इसका। ये देख सकते हैं गाइज, ये है आलू। ये देखिए इस पे लगा रहे हैं भैया ये मसाला। पहले तो इन्होंने लगाई है चटनी धनिया की और उसके बाद ये लगा रहे हैं इनका सीक्रेट मसाला। फरुखाबाद का स्पेशल आलू है, पर कोई बात भुने वाले आलू। पर कोई बात नहीं मैम, हुआ था ये शुरुआत। अच्छा, फरुखाबाद से मैनपुरी पेटा अलीगंज चारों तरफ ये बिकने लगा। नाम क्या हुआ आपका भैया? आकाश नाम है। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोनों जन मिलके अपना ये काम शुरू करे हैं और बढ़िया ही चलेगा इनका, क्योंकि जिस तरीके से बना रहे बिना तेल मसाले का चीज भी है और स्वाद भी बढ़िया है तो लोग जरूर से पसंद करेंगे। 40 रुपया प्लेट देते हैं। कितनी देर में आलू पक जाती है भैया? आधे घंटे में। आधे घंटे में कितना आलू डालते हैं इसमें? 5 किलो। 5 किलो कम से कम, और एक बार में आलू आपकी पूरी निकल जाती है, बिक जाती है। तो गाइस ये देख सकते हैं ये बनाया भैया ने आलू, बहुत ज्यादा बढ़िया आलू का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसमें साथ में जो मसाले इन्होंने बनाए हैं ये भी अच्छा है, चटपटा सा स्वाद है उसका। तो सब मिला के आलू इनका काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको लखनऊ में कहीं मिले तो ज़रूर खाएं, नहीं तो हमारी रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आके एक बार ज़रूर टेस्ट करें। हम आपको यहाँ का एड्रेस जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आप कब से कब तक महीने में लगाते हैं यहाँ पे स्टॉल? इस तरह अभी तो लगाया मैम 15 दिन हो गए। अच्छा, अभी से शुरू करेंगे तो कब तक लगा रहेगा? दिवाली तक अभी है। अच्छा, ठंडी तक रहेगा, जब तक आलू बढ़िया मिलता है तब तक आपका ये चलता रहेगा? होली तक लगाएंगे। अच्छा, होली तक लगाएंगे। आप 4 बजे से रात के 11 बजे तक। फरुखाबाद के आलू है यहाँ, फरुखाबाद के मशहूर आलू। कहाँ से हैं आप लोग? फरुखाबाद से ही हैं। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पे आके आलू लगाने के लिए कैसे सोचे भैया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? रिश्तेदारी है यहाँ। रिश्तेदारी मौसी है। अच्छा, रिश्तेदारी है यहाँ पे, तब सोचे कि आलू ही लाओ अपना बेचना शुरू करें। तो कितने दिन से लगा रहे हैं यहाँ पे आप लोग? 13-14 दिन हो गए। अच्छा, 13-14 दिन। बिक्री हो रही है? बढ़िया हो रही है। चलिए, आप 40 का पाव, 40 रुपए पाव देते हैं। अच्छा, क्या क्या डालेंगे इसमें जरा से दिखाइएगा। ये चटनी, अच्छा, धनिया की, टमाटर, मिर्चा, अदरक और ये कुछ मसाला भी बनाया है। मसाला भी है। अच्छा, क्या मसाला क्या रहता है भैया? ये 15 प्रकार की चीजें डाली है। अच्छा, 15 तरह की चीज डाल के बनाते हैं मसाले में, मतलब सीक्रेट मसाला है आपका ये, हाँ, जिसको खाने से स्वाद बढ़ जाता है आलू का। ठीक है, एक बनाइए। ये आलू खा के बचपन की याद आ जाए। हाँ, बचपन में जैसे मिलते थे भुने वाले आलू। मैनपुरी बहुत फेमस है ये चीज़। अच्छा, मैनपुरी में ज्यादा मिलता है? हाँ, ज्यादा मिलता है, सक्सेना का बहुत फेमस है। अच्छा अच्छा, वैसे तो गाइज हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए कुछ अच्छी हेल्दी और चटपटी इस तरीके की जायके के साथ की वीडियो हम ले आएँ। तो आलू तो अपने आप में भाई भुना हुआ है तो वो सोंधी भी है और अच्छा भी है। तो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आलू है तो काफ़ी अच्छा और उसमें जो इन्होंने चटनी और मसाले डाल दिए तो वो आलू का टेस्ट और भी बढ़िया हो गया है। फरुखाबाद का वैसे ये स्पेशल चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। तो खाने में हमें तो अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर तक अभी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो उसे भी कर लीजिएगा, जो कि है रसोई आपकी जायका हमारा।